नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया अपडेट होगा एग्रीकल्चर बहाली से संबंधित और एटीएम बीटीएम का जो बहाली चल रहा है बिहार में उससे संबंधित और ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो बहाली आने वाली है उससे संबंधित जो भी नया अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे एटीएम बीटीएम लेखपाल के बहाली से संबंधित। आत्मा मुजफ्फरपुर से एक नया अपडेट निकल करके आया है तो उसी के संबंध में आज का वीडियो है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं और सीधे हम चलते हैं आत्मा मुजफ्फरपुर के वेबसाइट पे। तो यहाँ पे हम आत्मा मुजफ्फरपुर के वेबसाइट पे आ गए हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आत्मा मुजफ्फरपुर का ये होम पेज है और आप लोगों को गूगल में सर्च करना है आत्मा मुजफ्फरपुर .com। जिसे सर्च करिएगा तो इस टाइप का कुछ इंटरफेस आप लोगों के सामने खुल करके आएगा और नीचे आपको स्क्रॉल करके जाना है और नीचे स्क्रॉल करके जाइएगा तो कुछ आप लोगों को अपडेट मिलेगा यहाँ पे नोटिफिकेशन में। ये देखिए अपडेट आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा है, रिक्रूटमेंट फॉर अकाउंटेंट रिगार्डिंग काउंसलिंग थर्ड फेज। तो तीसरे चरण का काउंसलिंग होना है ब्लॉक अकाउंटेंट के लिए। तो 10 गुना कैंडिडेट को इस बार बुलाया जा रहा है सीट के, 10 गुना कैंडिडेट को सीट से जो है बुलाया जा रहा है काउंसलिंग के लिए। तो देख लीजिए आप लोग कि आपका इस सूची में नाम है कि नहीं। इस पीडीएफ को हम सीधे अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको अपलोड कर देते हैं, वहां से आप लोग इस पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिएगा। और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहां पे आप लोग जा करके ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल और वहां से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की तैयारी से संबंधित वहां पर आप लोगों को क्यूज और गाइड मिलेगा हमारे ये टेलीग्राम चैनल पे। और यहां पे आप लोग देख सकते हैं यहां पे जो ये लेटर आया हुआ है आत्मा मुजफ्फरपुर से थर्ड काउंसलिंग से संबंधित, तो ये देखिए। और कब से कब तक ये 10 गुना कैंडिडेट को मिलाया जा रहा है तृतीय चरण के काउंसलिंग के लिए, 18-19 सितंबर को 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक की काउंसलिंग होगा। कहाँ पे होगा? संयुक्त कृषि भवन में होगा, मुजफ्फरपुर मुसहरी में है और वहाँ पे आप लोगों को जाना है। और जो भी वांछित मूल कागजात है उसको लेकर के आप लोग जाइएगा, ओरिजिनल कॉपी और उसका फोटोकॉपी भी एक सेट करा लीजिएगा और फोटो भी ले लीजिएगा 2-3 पासपोर्ट साइज, क्योंकि वो फोटो भी वहाँ पर लगता है। और पूरा डॉक्यूमेंट के साथ आप लोग जाइएगा ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो वहाँ पर काउंसलिंग में, और अपना काउंसलिंग करा लीजिए आप लोग। और काउंसलिंग ये संपन्न होने के बाद ही फाइनल सूची वहाँ पे निकाला जाएगा आत्मा मुजफ्फरपुर में। तो हमको लगता है कि अभी 15-20 दिन अभी समय लगेगा आत्मा मुजफ्फरपुर में वहाँ फाइनल सूची आने में एटीएम बीटीएम और लेखपाल का। तो आप लोग वेट करिए, निश्चित रूप से आएगा फाइनल सूची। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, इससे आपके भाई को मोटिवेशन मिलता है और इस टाइप का वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।